उधर जंग के बीच लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्ला और इजराइल की सेना के बीच संघर्ष और तेज हो चुका है। हिजबुल्ला ने इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ दिया है, जिसके बाद उसने एक वीडियो भी जारी करके इजराइल पर हमले का दावा कर दिया है। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसके ताबड़तोड़ हमलों में इजराइल के टैंक और आधुनिक हथियार सब कुछ नष्ट हो चुके हैं। हिजबुल्ला का दावा है कि इसराइल के खिलाफ वो नए और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, साथ ही उसने गोरिल्ला वॉर का रास्ता भी अपना लिया है। इसराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्ला ने उस पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी, ग्रेनेड रॉकेट से इसराइल की सेना पर बेहद करीब से हमला किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि हिजबुल्ला इसराइल के टैंकों को महज 100 से 150 मीटर की दूरी से एंटी टैंक मिसाइल से और रॉकेट से निशाना बना रहा है, और वीडियो में जिन घातक राइफलों का इस्तेमाल होता दिखाई दिया वो इसराइल की सेना के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। वीडियो में हमले का तरीका ये साबित करने के लिए काफी है कि इसराइल की सेना को बेहद क्रूर और शातिर लड़ाकों से जंग लड़नी है, वो भी उस समय जब हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्ला का दावा है कि इस हमले के लिए उसे इसराइल ने ही मजबूर किया। हिजबुल्ला के मुताबिक इसराइल ने उसकी सीमा में घुसकर हमले किए, जिसमें लेबनान के कई लोगों की जान चली गई। हिजबुल्ला का आरोप है कि इसराइल की सेना ने लेबनान के बेकसूर लोगों को निशाना बनाया और आधी रात में वहां जोरदार रॉकेट दागे। इसराइल की सेना ने इस हमले के बाकायदा वीडियो भी जारी किए, जिसमें लेबनान और इसराइल की सीमा के पास मौजूद कुछ फौजी ठिकानों पर धमाके होते दिखाई दिए। इसराइल की सेना के मुताबिक उसने सीमा के पास मौजूद हिजबुल्ला के ठिकानों पर मिसाइलों से वार किया। इन धमाकों को देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट गया हो। इसराइल की सेना के मुताबिक उसने हिजबुल्ला के अड्डों पर क्लस्टर रॉकेट से वार किया और सीना ठोक के इसकी जिम्मेदारी भी ली। इसराइल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसकी सेना की टुकड़ी रॉकेट अटैक करती हुई नजर आई। इस दौरान कुछ सैनिकों ने उन रॉकेटों के लॉन्च सेंटर को ट्रैक भी किया, जिसके बाद इसराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने हिजबुल्ला के कई ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद करने में कामयाबी हासिल की है। जिसके बाद हिजबुल्ला का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इस हमले के बाद हिजबुल्ला के कमांडर इतनी बुरी तरीके से भड़क गए हैं कि उन्होंने इसराइल का नामोनिशान मिटाने की ठान ली और धमकी दी कि इसराइल को हिजबुल्ला से कोई नहीं बचा पाएगा, जिसके बाद इसराइल की सेना और उसके ठिकाने हिजबुल्ला के निशाने पर आ गए। क्योंकि गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहे इसराइल को उसकी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्ला से भी चुनौतियां मिल रही हैं। हिजबुल्ला ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद उसका खुलकर समर्थन किया और इसराइल के खिलाफ उत्तरी सीमा पर मोर्चा खोल दिया और दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी और रॉकेटों से हमले का दौर जारी है। इसी से भड़के इसराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्ला को साफ शब्दों में हमले की कीमत चुकाने की धमकी भी दी। इसराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्ला के नेता नसरल्ला को धमकी देते हुए यहां तक कह दिया कि वे बेरूत को गाजा में तब्दील कर देंगे, और इस धमकी के बाद हिजबुल्ला बौखला गया और उसने इसराइल की सेना और उसके ठिकानों को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया और चेतावनी दी कि ये हमले इसराइल के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। मतलब हिजबुल्ला ने एक बार फिर इसराइल को सीधी चुनौती दे दी। हिजबुल्ला ने साफ साफ शब्दों में ऐलान किया कि लेबनान में हुए हमलों का बदला वो जरूर लेगा, साथ ही ये चेतावनी दी कि हिजबुल्ला की तरफ से किए गए हमले लेबनान में किए गए हमलों से ज्यादा घातक होंगे। अब हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ दी है और हमास की स्टाइल में इसराइल की सेना पर सामने से निशाना लगाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि उसने इसराइल के खिलाफ भीषण हमलों की बरसात शुरू कर दी है, जिससे नेतन्याहू की नींद हराम हो जाए। इस दौरान हिजबुल्ला ने इसराइल को धमकाते हुए ये भी कहा कि इसराइल उसके लड़ाकों की असली ताकत से वाकिफ नहीं है। मतलब उसने साफ कर दिया कि लेबनान बॉर्डर पर तनाव कम नहीं होने वाला, क्योंकि हिजबुल्ला की चेतावनी के मुताबिक
वो अब इसराइल पर एक के बाद एक बड़े हमले का मन बना चुका है। और दूसरी तरफ हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला ने पहले ही दावा किया था कि इजरायली सेना के लिए गाजा युद्ध विनाशकारी साबित होगा। हिजबुल्ला के 60,000 से ज्यादा लड़ाके हमास के 40,000 से ज्यादा लड़ाकों के साथ इजरायली सेना पर दूसरे राउंड का विनाशकारी हमला करने जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने भी माना है कि हिजबुल्ला की रॉकेट और मिसाइल ताकत इजरायल के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। वहीं इजरायली सेना पूरे जोश के साथ दावा कर रही है कि उसने उत्तरी गाजा में हमास के कई गढ़ों पर कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के चीफ सिनवार को उसके बंकर में घेरने का दावा भी किया, जिसके मुताबिक सिनवार बंकरों में फंस चुका है क्योंकि वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि उत्तरी गाजा का आधे से ज्यादा इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। फिलिस्तीनी और हमास के समर्थकों के बीच खून खराबा जारी है और इस बीच हिजबुल्ला पूरी तरह से हमास के समर्थन में डटा हुआ है।